चैनल आज हम स्टिकर्स बनाएंगे। स्टिकर्स बनाने के लिए पहले हम हमारे फेवरेट ड्राइंग्स को पेपर पे ड्रॉ करेंगे। आप आपके फेवरेट कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरी फेवरेट डोनट, रेनबो क्लाउड, यूनिकॉर्न, कपकेक और एक व्हेल बनाई है। उसके बाद हम बेसिक कलर्स का यूज करके सारे ड्राइंग्स को कलर करेंगे। मैंने यहाँ पर डोनट को येलो ऑकर कलर से और उसके स्प्रिंकल्स को रेनबो कलर्स में कलर किया है। रेनबो क्लाउड को मैंने पेस्टल कलर से कलर किया है। सिमिलरली यूनिकॉर्न, कपकेक एंड व्हेल को भी कलर किया है। बेसिक कलर से कलर करने के बाद हम इसमें शेडोज, हाइलाइट्स एंड थोड़ी डिटेल्स ऐड करेंगे। इसकी वजह से हमारे स्टिकर्स और भी क्यूट और अट्रैक्टिव दिखेंगे। डिटेल्स ऐड करने के बाद सभी ड्राइंग्स को ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लैक जेल पेन का यूज़ किया है। आप ब्लैक पेंट और ब्रश से भी आउटलाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ब्लैक जेल पेन से भी थोड़ी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश की है। डिटेल ऐड करने की वजह से अब हमारे स्टिकर्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। लगभग अब हमारे स्टिकर्स बनने ही वाले हैं। मैं जब तक आउटलाइन कर रही हूँ तब तक आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आउटलाइंस और डिटेल्स ऐड करने के बाद अब हम स्टिकर्स को कट कर लेंगे। अब हमारी सारी ड्राइंग्स तैयार है और हमने इन्हें कट भी कर लिया है। तो अब ड्राइंग्स के आगे और पीछे हम एक बड़ी क्लियर टेप स्टिक करेंगे। जैसे मैंने इस व्हेल के ड्राइंग को टेप स्टिक की है, उसी तरह से हम बाकी के भी ड्राइंग्स को टेप स्टिक करेंगे। टेप लगाने के बाद हम स्टिकर्स को कट करेंगे। कट करते वक्त आपको ध्यान देकर कट करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो स्टिकर खराब हो जाएगा। कट करने के बाद हमारे स्टिकर्स रेडी हैं।